क्वारी पुलिस थाना क्षेत्र में एक कार क्षतिग्रस्त हो गई थी, जिसके बाद में पुलिस ने इस पर कार्रवाई की तो पता चला कि ये कार गौ तस्करी का वाहन था, जिसके बाद पुलिस ने अब 5 गोवंश को बचाया है, साथ ही कार को भी हिरासत में ले लिया है। इस मामले में कुल 1,50,000 का मुद्देमाल पुलिस ने निष्पन्न किया है, साथ ही दो आरोपियों के बारे में भी पता लगाया है। मामले में आरोपी फरार है तथा कुराड़ी पुलिस मामले की जाँच में जुटे है। कुराड़ी पुलिस थाना क्षेत्र में एक कार हादसा होने की जानकारी सामने आई है। बताया जा रहा है कि इस कार से गौ तस्करी हो रही थी, जिसके चलते ये कार पलट गई और ये पूरा मामला उजागर हुआ है। जानकारी मिली है कि इस गाड़ी से 5 गोवंश भी बरामद किए गए हैं, साथ ही पुलिस ने उस गाड़ी को भी अपने हिरासत में ले लिया है। पुलिस ने इस मामले में 2 आरोपियों को निष्पन्न किया है, मात्र अभी भी उनकी तलाश जारी है। इस पूरे मामले में पुलिस ने 1,50,000 रुपए का मुद्देमाल भी जब्त किया है। आगे की कार्रवाई कुराड़ी पुलिस कर रही है। रिपोर्ट के सिवजला न्यूज कुराड़ी।